नाड़ी को स्वस्थ करना है और शोल्डर्स को मजबूत करना है तो आज का योग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो योग को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 10th एपिसोड। आज का योग है परिष्टितानासन। परिष्टितानासन का अर्थ है अपने शरीर के पृष्ठ भाग में खिंचाव उत्पन्न करना, यानी पीठ के सभी नाड़ियों का खिंचाव उत्पन्न करना। यह योग हमारी शरीर की नाड़ियों को स्वस्थ करने का सबसे उच्चतम योग है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनको स्वस्थ और मजबूत करने का एकमात्र योग है। नाड़ी वह होती है जो हमारे हृदय से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होकर धमनियों में जो कंपन होता है उनको नाड़ी या पल्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के योग के लाभ के बारे में अपन चर्चा करें तो परिष्टितानासन से हमारे शरीर की सभी नाड़ियां स्वस्थ होती है और मजबूत होती है और हमारे शरीर का पूरा मेंटेनेंस और बैलेंस नाड़ियों पे डिपेंड होता है। इसीलिए प्राचीन समय में नाड़ी या नब्ज देख के ही वे दवाई देते थे और उसी के हिसाब से उपचार होता था। तो नाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का और इससे परिष्टितानासन से अपने शोल्डर मजबूत होते हैं और सुंदर होते हैं। तो परिष्टितानासन के लाभ अपन ने देखे और अब इसको विधि में करके देखते हैं, देखें क्या लाभ होता है और किस प्रकार इसको किया जाता है। तो योग को शुरू करते हैं। परिष्टितानासन योग करने के लिए पेट के बल जमीन पे लेट जाएं और जमीन पे अच्छा वस्त्र बिछाएं। इससे आपके शरीर का बैलेंस सही रहेगा। फिर दोनों हाथ के पंजों को आगे लाएं और एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा रखें और जमीन पे प्रेशर दें। उसी प्रकार दोनों पैर के पंजों को मिलाएं और बाहर की तरफ खिंचाव लें और खिंचाव लेके सांस अंदर भरें और फिर माथा जमीन पे टेक के और प्रेशर दें। फिर इस क्रिया को आप कम से कम 1 या 2 मिनट अपने सामर्थ्य के अनुसार रहें और फिर अपने सांस को छोड़ें और अपने माथे को ऊपर उठाएं और फिर इस क्रिया को दोबारा अगर करें तो उसी प्रकार सांस को अंदर भरें और फिर अपने माथे को जमीन पे टिकाएं। इस क्रिया को करने से आपकी नाड़ियां सुंदर और सुडोल और सही क्रिया करेगी और अपने कंधे मजबूत होंगे और फिर क्रिया वापस छोड़ने पे आप अपना सांस छोड़ें और हाथ को परिष्टितानासन योग को अपन ने विधि में करके देखा, लाभ के बारे में जाना। तो यह योग बहुत ही सरल योग है। तो इस योग से विशेष प्रकार के नुकसान नहीं है, मगर इसको योग को विधि में करते समय जमीन पे थोड़ा मोटा वस्त्र बिछाना चाहिए, अन्यथा पेट पे या चेस्ट पे प्रेशर बढ़ सकता है। और अन्य अगर नुकसान देखें तो किसी में पेट के रिलेटेड समस्या हो तो उनको नहीं करनी चाहिए, या किसी के शोल्डर में परेशानी है तो उनको भी इस योग से बचना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।